Anesthesia Day, it's World Anatomy Day, and last but not the least is also the start of the Infection Control Week. So very happening day in the life of the School of Medicine, and I'm proud to say that each one of these departments have been very active in celebrating these days. And from the morning onwards, we've been very busy, very enthusiastic. I've seen the enthusiasm in the entire department of anesthesia as well as anatomy. And it's very infectious because, you know, you also get part of that entire, you feel the energy. And I think the whole team of the Department of Anesthesia, headed by Dr. Vaswani, with Dr. Surekha Madam and all the other stalwarts, have done an excellent job in promoting the role of anesthetists. And like someone said, they are the, we only see the tricks without actually seeing the magician behind those tricks. So we need to acknowledge their efforts and their importance in this system. I think surgeons and anesthetists are like siblings. They can't stand each other, and yet they can't live without each other. Good morning, madam. Good morning, Roshna. And good morning, Surekha ma'am. So before we start, Vaswani ma'am, we want to know ki why this... Wishing you a very very happy World Anesthesia Day. And मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये डे और किस लिए ये आप सेलिब्रेट करते हो 16 अक्टूबर को. वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे वी सेलिब्रेट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूज ऑफ ईथर टू इन अ सर्जरी विच वॉज पेनलेस बाय WTG Morton. ही वॉज अ डेंटिस्ट एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड this in front in the Administration Hospital, Boston, in year 1846 में on 16th October. इसलिए ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. अभी उसके पहले कैसे सर्जरी तो होती थी होली तब, लेकिन कैसे होती थी सर्जरी, इट वॉज अ टॉर्चर फॉर द पेशेंट, क्योंकि एनेस्थीसिया तो देते नहीं थे इनको पेशेंट्स को. पेशेंट को ऐसा सुला देते थे, कोई हट्टे कट्टे दो तीन आदमी लोग उनको पकड़ देते थे, और उनका मेनली ऑपरेशन कौन से होते थे, सुपरफिशियल ऑपरेशन होते थे, एम्पूटेशन होते थे, बिकॉज वार्ड वगैरह में या किधर भी उनको पैर खराब हो जाते थे, हाथ खराब हो जाते थे, उनको काटना पड़ता था. तो इसकी वजह से वो हट्टे कट्टे पेशेंट पकड़ते थे और उनको या तो वाइन या अल्कोहल पिलाते थे, पूरा बेहोश नहीं हो सकते थे, लेकिन वो लोग ऑपरेशन के टाइम में इतना चिल्लाते थे कि उन लोगों को दर्द बहुत होता था. करेक्ट. इसके वजह से अभी वो ईथर का जब ये यूज़ आया, पेनलेस सर्जरी होने के शुरू हो गई, तभी हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू सो मच. लेकिन मैम, ईथर के ज़माने से अब तो आप लोग बहुत मॉडर्न तरीके यूज़ करते हैं, तो अब तो सेफ्टी भी बहुत बेटर हो गई होगी ना. तो डॉक्टर रोशना, आई वॉन्टेड टू नो कि हाउ इज़ द एनेस्थीसिया मूव्ड अक्रॉस दिस सेंचुरी. अब तो 49 एक सेंचुरी तो हो गया एनेस्थीसिया को. राइट. सो डॉक्टर रिचा, इट इज कि अभी जो अभी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं या जो अभी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और जो 100 साल या 200 साल पहले यूज कर रहे थे, उसमें अभी जमीन आसमान का फर्क हो गया है. बहुत सेफ हो चुकी है एनेस्थीसिया ड्रग्स. सो इसीलिए आप एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का कोई बूढ़ा आदमी हो, सी नाउ द लॉन्जेविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ऑल्सो कमिंग फॉर एनेस्थीसिया. सो चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे हो, एनेस्थीसिया काफी सेफ हो चुका है. और चाहे उनको कोई भी यू नो कोमॉर्बिडिटीज, मतलब कोई भी मेडिकल कंडीशंस क्यों ना हो, सो पेशेंट को हम ऑप्टिमाइज करके इन्हीं दवाइयों के द्वारा एनेस्थीसिया दे सकते हैं. जो पेशेंट के मन में एक फियर रहता है कि अरे मैं सो जाऊंगा तो मैं उठूंगा नहीं, तो ऐसा नहीं है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि जनरल एनेस्थीसिया एक ही ऑप्शन है, देर आर ऑप्शंस लाइक रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब ओनली आधा शरीर बेहोश, या ऑप्शंस लाइक ओनली आपका हाथ बेहोश हम कर सकते हैं. और पूरी बेहोशी देने के बाद भी पेशेंट तुरंत उठता है, ये नहीं, बिकॉज हमें बहुत सारे सवाल अभी भी आते हैं कि क्या मैं 24 घंटे नहीं उठूंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. आप 5 मिनट के अंदर आफ्टर सर्जरी उठ जाते हो. और पेशेंट का भी थोड़ा सा आजकल चॉइस भी हो जाता है ना कि वो किस तरह का एनेस्थीसिया पसंद करता होगा. मैडम, है ना, तो फियर से अभी तो चॉइसेस हैं बेटर. पहले तो जनरल एनेस्थीसिया के अलावा कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं था. वेलकम सुरेखा मैम.
एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम जानना चाहते थे कि आज डी वाई पाटिल हॉस्पिटल में हम लोग वर्ल्ड एनेस्थीशिया डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स आपने रखे हैं। वर्ल्ड एनेस्थीशिया डे मीन्स जागतिक भूल दिवस है। जागतिक भूल दिवस म्हणजे ह्या दिवशी 16 ऑक्टोबर 2023 ज्या दिवशी मानवजातीने वेदनांना नाही म्हणायचे ठरवले त्या दिवशी आपला वर्ल्ड एनेस्थीशिया डे म्हणून आपण सेलिब्रेट करतो ऑल ओवर वर्ल्ड मध्ये। जगामध्ये 16 ऑक्टोबर वर्ल्ड एनेस्थीशिया म्हणून आपण सेलिब्रेट करतो आणि ह्याचं उगम झाला 16 ऑक्टोबर 1846 ह्याचा पहिल्यांदा शोध लागला जिथे मानवजातीला कळलं की आपण वेदना रहित राहू शकतो जेव्हा जेव्हा ऑपरेशन असतं। आणि हा दिवस आम्ही पूर्ण एनेस्थीशिया म्हणजे जे बेहोश करण्याचे डॉक्टर्स असतात ते पूर्णपणे पूर्ण जगामध्ये हा दिवस आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा करतो। तर आज आमच्या डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये हा प्रोग्राम आम्ही मोठ्या पद्धतीने साजरा करणार आहे। त्याच्यासाठी आम्ही सकाळी सगळे आमचे स्टुडंट्स फॅकल्टीज आमचे डीन सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आणि अन्य सगळे आमचे स्टाफ सगळ्यांनी मिळून सकाळी आम्ही फिटनेस खूप इम्पॉर्टंट असतो। एनेस्थेशियाला पण फिटनेस इम्पॉर्टंट असतो त्याच्याप्रमाणे आपल्याला रोजच्या फिजिकल बॉडीलासुद्धा फिटनेस इम्पॉर्टंट असतो। त्याच्यासाठी आम्ही वॉकॅथॉन म्हणजे एक रॅली काढली होती सकाळी आणि ती पूर्ण रॅली आम्ही जवळजवळ अर्धा तास ह्याच्यामध्ये आम्ही एनेस्थेशिया म्हणजे काय बेहोशचे काय फायदे आहेत बेहोशीमध्ये किती प्रगती झालेली आहे हे सगळ्यांना सांगितलं। त्याच्यानंतर आम्ही दुपारी एक प्रोग्राम ठेवलेला आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही इमर्जन्सीज इन ओटी म्हणजे ऑपरेशन थिएटरमध्ये जेव्हा एकदम इमर्जन्सी येतात तेव्हा काय करू शकतो आणि कसं आपण हँडल करू शकतो त्याचा आम्ही पूर्ण एक सेमिनार ठेवलेला आहे जे 3 तासाचं आहे। त्याच्यामध्ये परत आम्ही 2-3 स्किट ठेवलेले आहेत ज्याच्याद्वारा सुद्धा आम्ही पब्लिकला पूर्ण माहिती देत आहे की एनेस्थेशिया म्हणजे काय आणि कसं असतं एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर म्हणजे काय असतात। कारण अभी भी एनेस्थेशिया डॉक्टर मीन्स लोग बोलते है कि ये कोई टेक्नीशियन रहेंगे बट ऐसा नहीं है। एनेस्थेशिया भी है MBBS के बाद MD 3 साल करना पड़ता है और एनेस्थेशिया में भी अभी सुपर स्पेशलिटी आ गए जैसे बाकी के इसमें बच्चे का डॉक्टर बच्चे का सर्जरी का डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन वैसे एनेस्थेशिया भी न्यूरो एनेस्थेशिया जो सिर्फ ब्रेन का ऑपरेशन को बेहोश कर सकते हैं सो बच्चों को बेहोश कर सकते हैं सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी को बेहोश करते हैं हार्ट का ऑपरेशन के अलग एनेस्थेटिस्ट रहते हैं ऐसे सुपर स्पेशलिटी भी बेहोशी में आ गए तो काफ़ी हद तक एनेस्थेशिया एडवांस हो गया है। और इसके लिए हम लोग बच्चों में इसकी जागरूकता आने के लिए हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी रखा है जो हमने पूरा 1 वीक के लिए पूरा पोस्टर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं जो पब्लिक को भी समझेगा बच्चों को भी समझेगा ताकि अगले जनरेशन ऑफ बेहोशी के डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसके साथ साथ बेहोशी के डॉक्टर और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब पूरा लोगों को दे सकते हैं वो मीन्स सेव लाइफ जीवन संजीवनी हम उसको बोलते हैं उसका कैसे करने का जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है किधर भी रस्ते पे हार्ट अटैक आता है या हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में पहुंचने तक उनको बेसिक से फर्स्ट एड कैसा देना रहता है उसका भी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम पूरा हफ्ता भर सभी पेशेंट को रिलेटिव को हॉस्पिटल के स्टाफ को डॉक्टर्स को सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरह हमारा जागतिक भूल दिवस हमारे हॉस्पिटल में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह मैडम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। वासवानी मैडम आप लोग तो लाइफ लाइन हो हॉस्पिटल के तो अब एनेस्थीशिया जो है वो सिर्फ ओटी तक तो सीमित नहीं रह गया है मतलब और भी बहुत जगह आप अपनी फैसिलिटी देते हैं तो हमारे दर्शकों को एक शॉर्ट में बताइए कि एनेस्थेटिस्ट हॉस्पिटल के कौन सी जगहों पे अपनी सर्विसेज देते हैं। सिर्फ हम लोग ऑपरेशन के अलावा अभी बाहर भी देते हैं जैसे सजेशन देना पड़ता है जनरल नर्सन देना पड़ता है एंडोस्कोपी रूम है वहाँ पे फिर क्या एक्सरे रूम में है जिधर हम लोग MRI CT स्कैन मशीन है उसके लिए बच्चे लोग आते हैं वो लोग को इमोबाइल होना पड़ता है MRI तो उसके लिए हम लोग को सुनाना हाँ, मतलब जनरल पर्सन को तो नहीं पता कि MRI में छोटे बच्चों को भी एनेस्थीशिया लगता है जी छोटे बच्चे लोग को लगता ही है बिकॉज थोड़ा हिलते हैं तो वो लोग नहीं निकाल सकते इसलिए उन लोग को सुनाना पड़ता है सजेशन देते हैं या पूरा बुल भी देते हैं। और आज अभी कैथलैब में भी हमारा काम है कि उधर भी कैथलैब में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कार्डियक के और न्यूरो रेडियोलॉजी में भी है कि न्यूरो के प्रोसीजर भी बहुत सारे आगे हैं जो हम लोग उधर कर सकते हैं अभी। और इसके अलावा पेन मेडिसिन सब हो गया हमारा करेक्ट तो पेन में भी हम लोग को क्रॉनिक पेन स्पेशली क्रॉनिक पेन की ट्रीटमेंट हम लोग सब करते हैं। तो अभी पैलिएटिव पेन तो बहुत एडवांस हो गया है जी अभी और पैलिएटिव केयर भी है इसमें हम लोग को कैंसर पेशेंट्स के लिए वो हम लोग सब करते हैं पैलिएटिव।
रोशना, आप लोग का एनेस्थीशिया का स्पेशल रोल लोगों को पता चला कोविड के समय, जब एनेस्थेटिस्ट वर लाइक द फ्रंट रनर टीम ऑफ एनी गुड हॉस्पिटल. तो मुझे ये भी बताइए कि आईसीयू में एनेस्थेटिस्ट जो आजकल, मतलब ये जो बच्चे जो एमबीबीएस के हैं वो अगर अपनी करियर ऑप्शंस देख रहे हो, तो आईसीयू में एनेस्थीशिया डिग्री या एनेस्थेटिस्ट का क्या रोल होता है आईसीयू मैनेजमेंट में? बिल्कुल. सी कैसा है ऋचा, बेसिक एमबी पाने के बाद, एमबी एनेस्थीशिया के बाद आपको ऑप्शंस हैं फर्दर फेलोशिप्स करके क्रिटिकल केयर में जाने का. नाउ एज ए क्रिटिकल केयर डॉक्टर आप यू नो आप सब कुछ आईसीयू में मैनेज करते हो, राइट? ऑल क्रिटिकल केयर पेशेंट्स, जहाँ एयरवे मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन एनेस्थेटिस्ट विथ इज बेसिक डिग्री ओनली इज एन एक्सपर्ट एट एयरवे मैनेजमेंट. प्लस overall ICU care in terms of even if a patient comes who is critically bad as far as cardiac is concerned or some GI is concerned or he's in sepsis, so all that is managed under the domain of critical care. And that once you get your basic degree of MD, beyond that anyway you're going to do a fellowship or you're going to do a DM and go into critical care. Okay. So it's an added advantage for an anesthetist because already क्रिटिकल केयर की कई सारी बातें एमडी लेवल पे ही वो सीखता है. तो आगे जाके उसके लिए इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन टू टेक इट अप एज अ सुपर स्पेशलिटी फॉर एन एनेस्थेटिस्ट टू बिकम अ क्रिटिकल केयर पर्सन. सो जैसा कि वासवानी मैडम ने कहा कि पेन में जा सकते हैं एनेस्थीशिया, आई थिंक इमरजेंसी सर्विसेज में भी आप लोग का बहुत रोल रहता होगा, कैजुअलिटी और जरूरी है कि पेशेंट को सपोज इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, पेशेंट है कोलैप्स हो गया है या तो उसकी धड़कन बंद हो गई है, तो हम लोग इमीडिएट जाके उसको इंट्यूबेट करना पड़ता है और रीसस्टेंट करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसोसिटेशन बोलते हैं उनको. जी, तो आजकल तो मतलब कहीं पे भी कोई पेशेंट कोलैप्स हो तो सबसे पहले एनेस्थेटिस्ट को याद करते हैं. और पेनलेस एनेस्थीशिया में भी, वो भी एक ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीशिया भी तो पूरा स्पेशलिटी है. सुरेखा मैम, आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताएंगे हमको. तो ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीशिया में जब भी लेडी प्रेग्नेंट रहती है तभी आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सब केयर देते रहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. फिर डिलीवरी क्या होते हैं, आज अधिकतर डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा होते हैं, और कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होना चाहते हैं तो भी वो लेडी का डिमांड रहता है कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए. उनके गायनेकोलॉजिस्ट को बोलते कि मुझे ऑपरेशन डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, कुछ उसका तरीका है तो बताओ. तो तभी बहुत बड़ा रोल है हमारे भूल के डॉक्टर का, एनेस्थेटिस्ट का, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, आपको उसको पेन नहीं होना चाहिए डिलीवरी के टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं. तो हमारे इसमें एक इपिडुरल लेबर एनाल्जेसिया करके बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसमें हम जैसे भी लेडी इसमें डिलीवरी में जाती है, जिसका भी उसको सब गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं अभी लेडी डिलीवर हो जाएगी 5-6 घंटे में, तभी हमको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बुलाते हैं और हमको बोलते हैं कि इनको लेबर एनाल्जेसिया दे दो, वेदना रहित प्रसूति उसको हम बोलते हैं. इसके बारे में एक बहुत सुंदर वीडियो रोचना के साथ हमने बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिसको इसके बारे में और भी ज्यादा जानना हो वो जरूर जान सकता है. अब मैम हम लोग एकदम एंड की तरफ आ रहे हैं, और आप, मैंने नीचे ऑडिटोरियम में आते समय देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, तो भी फादर ऑफ एनेस्थीशिया किसको कहते हैं और उनके बारे में थोड़ा अगर आप हमको बता दें. तो उन्होंने बिकॉज पहले जैसे मैंने पढ़ा था पहले कैसा टॉर्चर था, लाइक सर्जरी वॉज अ बिग टॉर्चर, तो उसके वजह से कि अभी सर्जरी इतना सेफ हो गया है, पेन फ्री हो गया है, और हम लोग पेशेंट को हीमोडायनेमिक बिकॉज ऑफ एडवांसेस हम लोग पेशेंट की केयर बराबर कर रहे हैं, हम लोग पूरा टाइम पेशेंट के बाजू में बैठते हैं, उनका हीमोडायनेमिक मॉनिटर मेंटेन करते हैं, और उनको थोड़ा भी पेन नहीं हो उनके लिए बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम लोग देते हैं, पेरिफेरल ब्लॉक्स भी है, और उनको ऐसा वो जो जैसे कि उन लोग एकदम सर्जरी से मालूम ही नहीं पड़े कि उन लोग की सर्जरी हो गई है, ऐसा आ जाते हैं, और सर्जरी के बाद में भी उनको पेन भी जरा भी नहीं होता है, या कंफर्टेबल होते हैं सर्जरी के बाद भी. तो मतलब पोस्ट ऑप केयर और पोस्ट ऑप पेन केयर भी बहुत अच्छी तरह से अब होने लगा है आफ्टर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सो मेनी एनेस्थेटिस्ट ओवर द ईयर्स. थैंक यू सो मच मैडम. हम लोग और भी सारा प्रोग्राम आज कवर करेंगे, बट थैंक्स अ लॉट फॉर spending, giving us 10 minutes to record this interview. Thank you so much. It was such a pleasure meeting all of you and learning something about anesthesia.
year's theme, the aim of this year's theme, anesthetist caring for our sickest patients before, during and after surgery, is to help the community understand the crucial role an anesthetist plays in healthcare and the importance of an integrated, planned and personalized approach to patient care before, during and after any surgical procedure involving anesthesia. Thank you. सबसे पहले उनके थोड़े से कपड़े साइड करने हैं और इस जगह पे आपको पॉइंट देखना है जहाँ पे आपको सीपीआर देना है। हाथ के हथेली का ये हिस्सा आपको रखना है छाती पे और फिर उसके बाद उस पर दूसरा हाथ रखना है। दोनों उंगलियाँ, दोनों हाथों की उंगलियाँ जॉइंट करनी है। उसके पास ऐसे घुटनों के बाद खड़े हो ले बैठ के आपको इस पोस्चर में खड़े होना है, बैठना है और फिर कंप्रेशन शुरू करना है। छाती पे दबाव देना है कम से कम 100 से 120 एक मिनट में और जब आप ये दबाव देते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर या 2 इंच दबाव होना चाहिए, तभी आपका हार्ट जो है उससे कंप्रेशन होता है, दबाव बढ़ता है और खून आगे बहता है। On the occasion of World Anesthesia Day, I first of all say everyone happy World Anesthesia Day. I congratulate everyone and I want to say the message that if everybody does their work at their place properly, then there should be a no problem at all. So it's a teamwork. So everybody should play their role properly. I wish to say that. Herewith, I wish all of my friends and all my friends also a very, very happy World Anesthesia Day on the occasion of the today, that is when in 16th October 1846 was the first Ethan Anesthesia Day which was celebrated, and today we are celebrating that. Every year we celebrate, and this year the slogan what they have come out is Anesthesia and Cancer Care. That is the slogan for henceforth for 1 year on the World Anesthesia Day. And I wish all my friends also a very happy World Anesthesia Day. And you all know that without anesthesia, it is very difficult for anybody to operate. So I always wish everyone for a happy World Anesthesia Day. Thank you. Sir, you've had such an extensive anesthesia career over lasting over decades. So if you could just sum up how your journey has been as an anesthetist. Okay. Tata. So, if she wants to know about my journey in anesthesia, I must say that I had been in the field of anesthesia because I passed MD anesthesia in 1985, and since then I have been practicing anesthesia. Thereafter I joined Tata Memorial Hospital for 25 years, and after that I joined D.Y. Patil Medical College after I retired from there. And so far I had been an invited faculty all across the world also, because I have given lectures in Egypt, then Beirut, thereafter Sri Lanka, Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka, Bangkok and all other places, and Pakistan also once. And so far I have given 493 lectures, and I had been an examiner for MD, DA, PDCC pain, PhD anesthesia and DNB anesthesia, total 134 times. Wow. Any message, and sir? I had been a president of the Indian Society of Study of Pain, as well as a secretary of the Indian Society of Pain for the 6 years, and I am also a convener of the pain medicine by the national faculty, that is the DNB Association. I am a faculty, plus I am being selected as a specialist by the national board for the anesthesia field, which is only 15 of the country are being selected, so I am one of them. Plus I am a member of the editorial board of Indian Journal of Anesthesia, Indian Journal of Pain and Bangladesh Journal of Pain and Journal of Anesthesia and Pharmacological Medicine. Sir, if you had to give a message to the budding anesthetist all across the India, what is something which you wish to say from your heart? Yeah, I will always love to say everybody that
they should follow the proper protocol of the anesthesia also, as well as the academic career also. They should grow in the academic career. I'll be more happy and proud if they become much more better than me also. That will be the best. That will make me also proud of them. So I wish them all the best, and whenever they need any academic help, I'm there to help them. Surely, sir. We'll certainly share your email also, because this video will be watched all over the world. Yes. So if anybody wishes to connect with you. And Varsha, madam, if you had to give one message to all the budding anesthetists who are looking up to you as teachers. Do hard work. Never give up. Always there is, future is always good. Never get low. And if ever you have any problem, you can always connect to with your seniors. And your teachers, they are always available. We are always available. Sir, just jate jate ek ye ki abhi to anesthesia has come a long way from the ancient times, and even in your career, you must have seen a lot of advances. So tell us something about advances. I can say that I am the only one which is the oldest anesthetist, I can say, because I am the one who has used even ether, ethyl chloride, ketamine, ether, chloroform, Trilene, Althesin, all these old drugs which nobody has used. I have used all these, Allothane and all. And apart from that, I have used all the old equipments also which are not been available today. But they are the one which are very, very popular, and even in many of the examinations also, the older instruments are being still kept. So I think it is time for them also to know about all how the anesthesia developed from the zero to this level. So currently you say that the safety of the anesthesia drugs and the field has improved in your lifetime? Yes, it has made a lot of changes, because if you remember, in our times there was no monitoring available at all. We used to literally monitor with our hand on pulse and back ventilating like this. But today everything is available, monitored also. All monitoring facilities are available, that is pulse, ECG, BP, ETCO2. Everything has been available, plus respiratory waveforms. In our times, it was not there. So there are a lot of things that have changed over the period of time. And I'm sure this will definitely help for all anesthesia, also new coming people. But the thing is, it has to be always an effort that is put by the students that will make a real big difference to them. Sir, since I have caught you after a long time, a last question. What advancement do you see in this field, or what you feel that is something where still a lot of scientific work has to be done in the field of anesthesia? No, in the field of anesthesia, a lot of work had been already done all across the world. But I should say that we always talk so many drugs that have been invented across the world. But there were two drugs which were invented in India also, anesthesia drugs, which have been asked sometimes in rare examinations. They were not too old, they were in 1995. These two drugs were invented. One was a local anesthetic and second was a muscle relaxant. They were invented from the Himalaya plants. So there is definitely changes that have been happening. Newer drugs have come, like Sugammadex and all, which have been making a huge difference as far as reversal is concerned. So that definitely there are new drugs that have come up. In analgesics also, fentanyl has come, remifentanil, which is the latest addition. Plus in the patches also, a lot of patches have come. Sprays have also come. Then there are lollipops also come, fentanyl lollipops also come. So that has made a lot of difference as far as pain management is concerned. And more so because this year is going to be anesthesia and cancer care. So in the patient who are been having a cancer pain and they are been in a terminal stage or all, in all these patients, these pain medications which we are advanced in the latest stage, they have been making a lot of use, because like fentanyl patch and then buprenorphine patch, it makes a big difference for the pain management in the patient, so much so that the patient doesn't need to take in the midnight also to get up, because it can work for 72 hours to 7 days. So that's the beauty of that. Plus nowadays newer techniques have also come as far as the pain management is concerned, which are in the back kick and all, where we are using the RAF and all those things which were not available in the good old days. So a lot of things have come, so there things are been advancing as compared to the earlier days. I'm sure all the newcomers will definitely learn much more better than all of us. Thank you, sir. It was such a pleasure talking to you. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you so much.
generation of our students from anesthesia technicians and anatomy department, anesthesiology department, as well as MBBS students who arrived in Greece. Wishing you a very happy World Anesthesia Day, ma'am. And it's such a pleasure to have you today on MediChit Chat. Ma'am, you have such an extensive career in the cardiac anesthesia. So we want to know about your expertise and also what message you want to give to the budding anesthetist. Okay. So I'm Dr. Manjula Sarkar, working as a cardiac anesthesiologist at D.Y. Patil Hospital, Navi Mumbai. Since last few years, retired from KM as a head of the department in cardiac anesthesia. Regarding specialty in cardiac anesthesia is concerned, this specialty has grown up since last two decades. It was not developed so much before, but as the demands and as the need is there for this specialty, super specialization is coming up, and we are really dealing good for the cardiac patients. Cardiac patient doesn't mean the cardiac surgery is going to go on only in the cardiac theater, but it means any cardiac patient is coming for surgery, even for the non-cardiac surgery, to any theater. If new cardiac anesthesiologist wants to come for this specialty, they should come with full sincerity, dedication, and hard work is required to grow in this specialty. This specialty has the characteristic of advanced monitoring, really need to know the physiology, pathology, pharmacology of the drugs, because many new things are coming up in this. Advanced monitoring, post-operative care, pain relief. So we are dealing all the patients, not only in the operation theater, even in the post-operative area also, to care them. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Today, 16th October, is a World Anesthesia Day. This day, पहली बार ether anesthesia public में बताया गया था, इसीलिए उसको हम लोग आज के दिन celebrate करते हैं. पहले के ज़माने में और अभी anesthesia में बहुत फ़र्क आ गया है. Patient को pain relief नहीं होता था, दो चार आदमी पकड़ के उसको कैसे भी operation कर लेते थे. लेकिन अब हम लोग के इतनी ज़्यादा development हो गई है science की कि पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल. हमारे जो नए ड्रग्स हैं उनके सब साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है. और मशीन्स और मॉनिटर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, तो इसके कारण एनेस्थीशिया इज़ बिकम वेरी सेफ. एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टू द जनरल पब्लिक कि प्लीज़ बी डोंट बी स्केर्ड एंड वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे एंड एनेस्थीशिया इज़ now a very safe branch. Ma'am, you are training so many of these allied kids, allied sciences ke bacche. So what is the message for them as support, as their role in supporting the anesthesiologist? Yeah, we hum log BSc anesthesia technician ka bhi course run kar rahe hain jo abhi pichle 5-6 saal se shuru hua hai. To unka role to bahut hai anesthesia operation theater mein. लेकिन अभी धीरे धीरे वो डेवलप होएगा, उनकी जो उनका जो ज़रूरत है लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को लेना चाहिए. और मैं यही कहूँगी कि हर हॉस्पिटल में और एटलीस्ट दो ओटी के बीच में एक टेक्नीशियन होना चाहिए, ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अब इतने महंगे हैं तो दे ऑल कैन टेक केयर ऑफ दैट एज वेल एज हेल्प अस ड्यूरिंग द induction of the anesthesia. Right. So they will be very real asset to the, yeah. They can play a real asset to the OT team. अभी तो हम तो हॉस्पिटल में हैं तो हमारे रेसिडेंट्स रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन जो एनेस्थेटिस्ट लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं उनके साथ में एक एक दो दो टेक्नीशियन भी रहेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा इफ दे आर वेल ट्रेन्ड. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर दोज काइंड वर्ड्स. थैंक यू. And no IV agent was available, so it was inhalation induction. And no intubation was available, so only spontaneous natural airway and respiration was there. No ventilator or controlled respiration was available. And monitoring also, multi-para, nothing was available. Only hand on pulse and pupil and the respiratory movements, that was available. And no charge even was available. So as our head of the department, Vasani Madam, took us through the journey very well. Madam explained how earlier also anesthesia was so different. So now the history can be started with the
WTG Morton, the first demonstration of ether on 16th October, as we all know now. So earlier to 1846, it is known as mystery age. And that time the drug methods and non-drug methods were used, like already mentioned, Vatsali Madam said, in the drugs we had alcohol. Dedication, we defend. Preserving life's journey through our drugs, we depend. For a Superman surgeon, we are his dark knight, across the head end with vitals in our sight. With power to heal and revive the ill, the guardian of life driven by will. Thank you. A satirical slice of our past, the trials and tribulations which imbibe our daily experiences with hope and despair, joy and sorrow in equal measure as we enjoy the roller coaster that we call the residency. Here we present to you a scene where a patient is brought for anesthesia fitness by surgery resident and an intern. रमेश जी चलो अपने को पीएसी फिटनेस कराना है। सर आज आपने सारा पेपर लाया ना, आज सर ने मेरे को बोला आज फिटनेस हो गया कि मेरा कठिन है। रमेश जी आपको जो बोला वही बोलना, देखो इम्पोर्टेंट है सर्जरी करना, जरूरी आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो जो बोला वैसे बोलो, नहीं तो वापस खून का जांच करना पड़ेगा। नहीं सर आप जो बोलो वैसा, बस सर्जरी अच्छे से होना चाहिए मेरा। अरे सर्जन फर्स्ट क्लास है, सर्जरी तो अच्छा ही होगा। इसका फिटनेस है, कौन सा है पेशेंट? ये है पेशेंट, फिटनेस दे दे, कल सर्जरी करना है। अरे क्या सर्जरी है वो तो बोलो पहले, बस फिटनेस दे दे। अरे अपेंडिक्स का सर्जरी है, कल करना है, एकदम इमरजेंसी है। पेशेंट तो कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। यही कोई एक दो महीने से बीच बीच में होते रहता है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, दो दिन से बहुत दर्द हो रहा है। अपने को देसी जमता नहीं है, उसे खुजली होता है। अरे मैडम देसी अपन इंग्लिश दारू पीता है, अपना स्टैंडर्ड है, अपने को देसी नहीं जमता। अरे मैं दवाई पूछ रही हूँ। अरे आपको ओटी में दारू पिलाएंगे क्या? नहीं ना भैया, जो बोला वो बोलो ना, अपन दवाई खाता ही नहीं, अपन एकदम फिट है फिट। अच्छा ठीक है, कितने माले चढ़ लेते हो? अपन को गरीब समझा क्या? अपने बिल्डिंग में लिफ्ट है, लिफ्ट अपन लिफ्ट से जाता है। नहीं काहे को चढ़ना, लिफ्ट है। चढ़ने बोला तो कितना चढ़ोगे? मूड पे वो। अपने पास गाड़ी है, अपन गाड़ी से जाते हैं इधर जाने का है, अपने को गरीब समझाएगा, चल के जाएंगे। अगर इतना अमीर हो तो जिम तो जाते होंगे। हाँ जाता हूँ ना, बोर्ड्स वाला जिम। तो उधर दौड़ते रहोगे ना? वो तो ट्रेनर पे हो, जितना बोलेगा उतना करने का। अरे यानी किधर से पकड़ लाए हो, एक भी हमका जवाब नहीं दे रहा है। भैया सर्जरी करना है ना, जो बोला वो बोलो ना, सीधा जवाब दो ना। नहीं नहीं हाँ एकदम दौड़ो, 600 कैलोरी बर्न करता हूँ। कुछ एडिक्शंस है? अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको? डेली का 2 पैक ब्लैक लेबल। नहीं पीता, नहीं पीता, दारू बहुत बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए। सच बोल रहे हो ना? आपके भले के लिए पूछ रही हूं मैं। एक बार पिया था अपने बर्थडे पे, उसके बाद हिम्मत नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ है कोई? हाँ एक बार कोबरी बोला था पहले। हुआ हुआ था? वो 10 साल पहले हुआ था, दारू पी के गिर गया था, क्रेनियोटॉमी हुआ था सर। अरे कुछ नहीं हुआ था, एक बचपन में गिरा था, CLW छोटा था, कुछ नहीं, सिंपल सर्जरी, एकदम फिट पेशेंट। अरे क्या छोटा सर्जरी, पूरा खोपड़ी खोला था, अपोलो में ड्यूलक्स रूम में एडमिट हुआ था मैं। अरे नहीं नहीं वो मेरे अंकल का सर्जरी था मैडम, सॉरी सॉरी। जानती है मेरे को, मैं तेरे को कभी सच बोला है तो कभी झूठ बोला है क्या? मैं हमेशा सच बोलता हूं। आपको तो बाबा हेल्प कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी किया है या ऐसे ही पेशेंट लेके आए? सारे किए बहुत अच्छे। हां सीबीसी है, टेस्ट एक्सरे, पीटीआईएनआर का है, नॉर्मल है। तू मुझे रिपोर्ट दिखा, वैल्यू बता। ये तो 2 है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा है, एडजस्ट करना। ये का लोकल की सीट है, एडजस्ट करने के लिए ऐसे नहीं चलता है, बहुत ब्लीडिंग हो सकता है।
अरे नहीं सर जनो, एकदम फर्स्ट क्लास सर्जरी, नो ब्लीडिंग। अरे ऐसे नहीं होता है बाबा। ठीक है, कितना चाहिए? कितना चाहिए? ये क्या सब्जी के भाव सेट कर रहा है? ये चाहिए, वो चाहिए, बराबर बोला ये पेशेंट का। करता ना, मैं रिपीट करता। रिपीट आ जाएगा नॉर्मल। ईसीजी दिखा मुझे पेशेंट का। इसमें तो टी वेव इन्वर्जन है, V22 ऐसे। अरे गलत है रे, उसका नहीं है वो, दूसरा है वो, वो नॉर्मल वाला है ना। ये को क्या समझ में आता? अरे ये शादी के रिश्ते देख रहे हो क्या? ये मेटल है, ये नॉर्मल है, ये पेशेंट का कौन सा है वो बताओ मुझे। ये वाला, ये जाने दो, मैं पेशेंट को पूछती हूं। आपका छाती का पट्टी निकाला है क्या? नहीं, मेरा ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं वाला है। हाँ हाँ, हुआ था, हुआ था, लैब वाला खुद आके बोला था नॉर्मल एकदम। लैब वाला सीरियसली। यार पॉलिटिशियन का पेशेंट है मेरा पति। चलो फिट हो, चलो। देखा, ऐसे भी होता है। रेसिडेंसी छोटी है, पूरी वसूल कर, काम की फिकर कर, तू पढ़ाई कर, केस तू कर बाबा, केस तू कर, पीएससी जाए तेल लेने, केस तू कर। थैंक यू, थैंक यू।